हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, आज हम आपको यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं। यूपी स्कॉलरशिप की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिन भाइयों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन किया है, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि जिन छात्र छात्राओं ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन किया है, वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ से रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किस प्रकार अपना फॉर्म चेक करें। इसके लिए आगे हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में लेके चलता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको क्रोम पर चेक करके दिखाता हूँ। आप क्रोम पर आएंगे। क्रोम पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे लगाना होगा। डेस्कटॉप मोड पे लगाने के बाद आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब इन्फो। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा हुआ है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस किस प्रकार चेक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद, मेरा नेट स्लो है इसलिए आपका फास्ट होगा, धीरे ओपन हो रहा है, आप देखते रहिए। इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे आना है और आप जिस भी क्लास में उस हिसाब से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें 9th हाई स्कूल फ्रेशर एंड रिन्यूअल वालों के लिए भी आ गया, फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए भी है, जो फ्रेशर थे उनके लिए भी और रिन्यूअल वालों के लिए भी। मैं आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के ऊपर वाले को चेक करके दिखाने जा रहा हूँ। मेरा फ्रेश है तो मैं आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आइकन ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। मैं कर रहा हूँ, मेरा है, ये आ गया ऊपर वाला। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 799। और इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डायल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको कैप्चा दिखाई देगा, इसे भी फिल करना होगा। TWHQT कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना हो। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति के लिए क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, जिसमें फुल डिटेल होगी, नाम वगैरह और आपका ये फॉर्म के बारे में जानकारी होगी। रजिस्ट्रेशन मैंने 22/9/2019 में किया था और फाइनल सबमिट 1/10/2019 को हुआ था, एवं कॉलेज से फॉरवर्ड 16/10/2019 को हुआ था। अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस अभी दिया नहीं गया है और सिक्योरिटी रिजल्ट करेक्ट है। इस प्रकार आप अपना फॉर्म ऑनलाइन वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।